तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है ना, ये उर्दू फॉर बिगनर्स यानी कि UFB का पार्ट 30 है, यानी कि 30वां पार्ट है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं चार अक्षर से मिलकर बने और मात्रा वाले शब्दों को उर्दू में लिखना और पढ़ना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इसका पहला वाला वीडियो आप बोल सकते हैं पार्ट 28 और पार्ट 29 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर देखे रहेंगे इसका पहला वाला पार्ट तो जो भी चीज़ें आज के इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, ज़्यादा मेहनत आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग इसके पहले वाला पार्ट को नहीं देखे हैं तो भी आप लोगों को समझ में आएगा, बस आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा समझने में, ठीक है। और अगर पहले वाला पार्ट देखें तो मेरे बताने से पहले ही आप लोग इन सभी शब्दों को खुद से ही उर्दू में लिख पाएंगे, ठीक है। तो ज़रूरी है आप लोग इसका पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, और आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो और ऑल लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कर देना है, पहले ही लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए चारों तरफ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। चार अक्षर से मिलकर बने अ मात्रा वाले शब्दों को मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। किसी भी उर्दू के अक्षर को कैसे औ की मात्रा में बदला जाता है, फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि पहला वाला पार्ट आप लोग देखे हैं। उस अक्षर के ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दो तो वो अक्षर औ की मात्रा में बदल जाता है, बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। और चलिए इन सभी शब्दों को आप आसानी से उर्दू में लिख पाएंगे, लिखते हैं। सबसे पहला शब्द है नौकरानी। नौकरानी को अगर उर्दू में लिखना है कैसे आप लोग लिखेंगे नौकरानी? सबसे पहला अक्षर देखिए नौ है, तो सोचिए नौ को उर्दू में क्या कहते हैं? नौ को उर्दू में नून कहते हैं, लिख दीजिए। नून से तो ना हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है? नौ है, तो नून से नौ हो जाने के बाद इसको नौ बनाने के लिए, ओ मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस नून के ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ देंगे, हो गया। उसके बाद है कौ, कौ को उर्दू में कहते हैं काफ, लिख दीजिए, काफ से क हो गया। उसके बाद है रा, रा को उर्दू में कहते हैं रे, और रा बनाने के लिए इसमें अलिफ जोड़ दिए। उसके बाद से है नी, तो ना को उर्दू में नून कहते हैं, और इसको नी बनाने के लिए सबसे पहले देखिए कि नी में कौन से वाले ई की मात्रा है, तो इस नी में बड़ी वाली ई की मात्रा है। तो किसी भी उर्दू के अक्षर को बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताई हूँ। उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर उसमें छोटी ये जोड़ देते हैं, तो वो अक्षर जो है ना बड़ी वाली ई की मात्रा में बदल जाता है। तो यहाँ पर नून के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ दिए तो ये बड़ी वाली नी हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए, आसानी से आप लोग नौकरानी लिख पाएंगे। चलिए जोड़ते हैं। जोड़ने का भी तरीका मैं आप लोगों को बताई हूँ। आधा भाग उठाइए नून का, आधा भाग उठा लिए, और इस नून के ऊपर तो जबर है, बस वाव ले जाकर इसी नून में जोड़ दीजिए। तो नून के ऊपर जबर और वाव जुड़कर नौ हो गया। काफ का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है। उसके बाद से है रे, तो इस पूरे के पूरे रे को इस काफ में ले जाकर जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। और रे में तो अलिफ जोड़ना ही पड़ेगा रा बनाने के लिए, तो अलिफ जोड़ दीजिए इसमें, तो रे में अलिफ जुड़कर रा हो गया। उसके बाद से फिर से नून का आधा भाग उठा लीजिए, ये वाला नून का आधा भाग उठा लिए, और नून के नीचे जेर तो है, बस हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे। और ये जो छोटी है, बिल्कुल जिस तरह लिखा है छोटी है, उसी तरह यहाँ नून के आधे भाग में ले जाकर इसे जोड़ देना है। तो नून के नीचे जेर और छोटी जुड़कर ये हो गया बड़ी वाली नी। तो नौ काफ से क, रे में अलिफ जुड़कर रा, और नून के नीचे जेर और छोटी जुड़कर बड़ी वाली नी। तो नौकरानी, नौकरानी, नौकरानी। कितना आसानी से हम लोग नौकरानी लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द देखिए मौजूदगी। मौजूदगी में सबसे पहला अक्षर है मौ। मौ को उर्दू में कहते हैं मीम, मीम से मौ हो गया। मौ बनाने के लिए इसके ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दिए। जू है, जौ को उर्दू में कहते हैं जीम, और इसको जू बनाने के लिए देखिए इस जू में कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो इस जू में बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। तो किसी भी उर्दू के अक्षर को बड़ा वाला ऊ की मात्रा में बदलना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ए ऐ ओ ओ आप लोग पढ़ रहे हैं, इतने सारे मात्रा वाला पढ़ चुके हैं तो सब कुछ तो पता होगा। तो सोचिए बड़ा वाला ऊ की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग उस अक्षर के ऊपर पेश लगाकर और वाव जोड़ देते हैं, तो वो अक्षर बड़ा वाला ऊ की मात्रा में बदल जाता है। बिल्कुल जिम के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिए तो ये बड़ा वाला जू हो जाएगा। द है, द को उर्दू में कहते हैं दाल। उसके बाद गी है, ग को उर्दू में कहते हैं क्या, ग को उर्दू में गाफ कहते हैं, और गाफ से तो ग हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, बड़ी वाली गी। गाफ में जो ये गी है इसमें कौन सा वाला ई की मात्रा है, बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो इस गाफ से तो ग हो जा रहा था, लेकिन इसको बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए, यानी कि घी की मात्रा में बदलने के लिए इस गाफ के नीचे भी जेर लगाकर छोटी ये जोड़ देंगे तो ये बड़ी वाली घी की मात्रा में बदल जाएगा। अब इन सबको जोड़िए। मीम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, मीम के ऊपर तो जबर है, बस वाव ले जाकर ये मीम में जोड़ दीजिए। तो मीम के ऊपर जबर और वाव जुड़कर ये हो गया मौ। जिम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे,
और जिम के ऊपर पेश तो है, बस वाव ले जाकर जिम में ऐसे जोड़ दीजिए। तो जिम के ऊपर पेश और वाव जुड़कर जू और दाल जिस तरह लिखा हुआ है दाल लिख दीजिए। गाफ का आधा भाग आप लोगों को उठा लेना है, ऐसे गाफ का आधा भाग उठा लिए, गाफ के नीचे जेर है बस ये छोटी है, जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह ले जाकर इसी गाफ में जोड़ दीजिए। तो गाफ के नीचे जेर और छोटी है जुड़कर गी, तो मौजूद गी, मौजू और दाल से दाव, गाफ के नीचे जेर और छोटी है जुड़कर गी, तो मौजूदगी, मौजूदगी, नौकरानी, मौजूदगी। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है चौकीदार। चौकीदार लिखना है तो कैसे लिखेंगे? चौकीदार में सबसे पहला अक्षर है चौ, चौक उर्दू में कहते हैं चे, और यहाँ पर देखिए चौ है, औ की मात्रा में बदलना है तो इसके ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दीजिए तो चौ हो जाएगा। की है, कौक उर्दू में कहते हैं काफ, और की बनाने के लिए देखिए काफ में कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो इसमें बड़ी वाली ई की मात्रा है तो काफ के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ दीजिए, ये बड़े वाली की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद है दा, दा को उर्दू में कहते हैं दाल, और इसमें अलिफ जोड़ दीजिए दा हो जाएगा। और रा है, रा को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ देना है। चे का आधा भाग उठा लीजिए, चे के ऊपर जबर है बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा चौ। काफ का आधा भाग उठा लेना है, काफ के नीचे जेर है बस ये जो छोटी ये है, तो आप लोग जानते हैं छोटी ये किसी दूसरे अक्षर में जाकर जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज करके कैसा रूप ले लेती है, तो ऐसा रूप ले लेती है, पता होगा आप लोगों को, मैं बार बार बताई हूँ। तो काफ के नीचे जेर और छोटी ये जुड़ गई तो ये हो गया बड़ा वाला की, और इसी में इसी ये के आधे भाग में आप लोग को क्या करना है, दाल को ले जाकर ऐसे जोड़ देना है और दाल में अलिफ चिपका देना है, तो दाल में अलिफ जुड़कर दा और रे से रा, तो ये हो गया चौ, चे के ऊपर जबर और वा जुड़कर चौ, की दा र, चौकीदार, चौकीदार। कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं, इकलौता। इकलौता में सबसे पहला अक्षर है ई, सोचिए ई को उर्दू में क्या कहते हैं, छोटी वाली ई है, बड़ी वाली ई नहीं है, छोटी वाली ई है, तो अलिफ से तो अ होता है आप लोग जानते हैं, और अलिफ के नीचे जेर लगा दो तो ये छोटी वाली ई पढ़ा जाता है, ठीक है, और अलिफ के नीचे जेर लगाकर इसमें ये जोड़ दो छोटी वाली ये तो ये बड़ी वाली ई की मात्रा में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, छोटी वाली, इसका मतलब अलिफ लिख दो और अलिफ के नीचे जेर लगा दो तो ये हो गया छोटी वाली ई बस। और उसके बाद से क्या है, क है, क उर्दू में कहते हैं काफ, और उसके बाद लौ है, लौ उर्दू में लाम कहते हैं, लौ बनाने के लिए जबर लगाकर वाव जोड़ दिए, और ता है, त उर्दू में कहते हैं ते, और ता बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए, ठीक है। अलिफ जिस तरह लिखा है उस तरह लिख दीजिए, अलिफ की नहीं तो जेर है, बस हम लोग मन में मान रहे हैं। और ये जो काफ का है आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और काफ का आधा भाग उठा लेने के बाद लाम का भी आधा भाग उठा लेना है, और इसी में देखिए जब काफ का आधा भाग आप लोग उठाएंगे ना तो ये जो सीधा वाला भाग है बस ये कर्व हो जाएगा, ऐसे कर्व हो जाना चाहिए, ठीक है, ये जो सीधा वाला भाग है बस यहाँ पर कर्व यानी कि आधा गोल हो जाएगा, ठीक है। अब लाम का आधा भाग उठाकर इसी में ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है, लाम का आधा भाग जोड़ दिए, और लाम के ऊपर तो जबर है बस वाव ले जाकर इसी लाम में जोड़ दीजिए, तो लाम के ऊपर जबर और वाव जोड़कर ये हो गया लौ, और ये काफ से क का तो हो गया, एक लौ हो चुका है, एक लौ, बस ता, ते का आधा भाग उठा लेना है और ते में अलिफ जोड़ देना है, ता हो गया, तो एक लौ ता, एक लौ ता। आगे बढ़ते हैं, खौफनाक। खौफनाक बहुत ज़्यादा खौफनाक है, इस तरह आप लोग सुने होंगे ना, तो खौफनाक कैसे लिखा जाएगा उर्दू में, बहुत ज़्यादा आसान है। ख को उर्दू में कहते हैं खे, लिख दीजिए, ख बनाने के लिए ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दीजिए, फ है, फ को उर्दू में क्या कहते हैं, फे कहते हैं, लिख दीजिए, और उसके बाद ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं और इसमें अलिफ जोड़ दीजिए, उसके बाद है क, क को उर्दू में कहते हैं काफ, सिंपल। अब इन सबको जोड़ देना है, खे का आधा भाग उठा लीजिए, जोड़ना तो मैं आप लोग को बताई हूँ, खे का आधा भाग उठाकर और इसमें खे के ऊपर तो जबर है बस वाव ले जाकर खे में जोड़ देना है, तो खे के ऊपर जबर और वाव जुड़कर ये हो गया खौ, और फे का आधा भाग ऐसे उठा लेना है आप लोगों को, और नून का आधा भाग भी उठाकर इसी फे के आधे भाग में जोड़ देना है, ठीक है, नून में अलिफ जोड़ दीजिए ताकि ना हो जाए, और फिर काफ का पूरा भाग ले जाकर चिपका दीजिए इसी में। तो देखिए, खौफ, खे के ऊपर जबर और वाव जुड़कर खौ, फे से फ, नून में अलिफ जुड़कर ना, और काफ से क, तो खौफनाक, खौफनाक। आप इसको अलग भी लिख सकते थे, खौफ अलग लिख सकते थे और नाक को अलग भी लिख सकते थे, लेकिन मैं इन दोनों को जोड़ दी हूँ, फे और नून को एक ही में चिपका दी हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी, दोनों तरह से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दौलतमंद। सबसे पहला अक्षर है दौ, दौ को उर्दू में कहते हैं दाल, दौ बनाने के लिए ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दिए, ल है, ल को उर्दू में कहते हैं लाम, त है, त को उर्दू में कहते हैं ते, उसके बाद म है, म को उर्दू में कहते हैं मीम, और मीम के ऊपर क्या है, बिंदु वाला ना है, बिंदु वाले ना को ही उर्दू में नून कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए नून से ना। उसके बाद है द, द को उर्दू में कहते हैं दाल। अब इन सब को जोड़ दीजिए,
फास्ट कर रही हूँ और आप लोग भी अपने माइंड में फास्ट कीजिए, फास्ट सोचिए कि हाँ दौलतमंद इस तरह से लिखा जाना चाहिए। फिर मैं बता रही हूँ तो मिला लीजिए आप लोग सही सोचे थे कि नहीं, फिर अगला सोचिए नौजवान फटाफट, और मैं फटाफट बताते चल रही हूँ, आप लोग मिलाते चलिए कि आप लोग सही सोचे थे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको जोड़ते हैं सबको, दाल, दाल लिख दीजिए, दाल के ऊपर ज़बर है बस वाव ले जाकर चिपका दीजिए, तो ये हो जाएगा दो। लाम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और लाम के आधे भाग में पूरा का पूरा, ते का आधा भाग उठा लेते हैं, पूरा का पूरा लेते हैं, ते का पूरा इसमें ले जाकर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दौलत, ते का पूरा भाग इसी लाम के आधे भाग में ले जाकर जोड़ दिए, तो ये हो गया दौलत। और मीम का आधा भाग उठा लीजिए और मीम के आधे भाग में नून का आधा भाग ऐसे जोड़ दीजिए, और इसी में दाल को पूरा का पूरा ले जाकर चिपका दीजिए, तो ये हो गया मीम से मा, नून से ऊपर बिंदु वाला नौ, और दाल से द, तो ये हो गया मंद, दौलतमंद, दौलतमंद आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। और दौलतमंद मैं आप लोग को बोली ना, लाम का आप लोग आधा लाम के आधे भाग में ते का आधा भाग अगर आप लोग जोड़ते हैं, ते के आधा भाग, और इसी ते के आधे भाग में मीम का आधा भाग जोड़ सकते हैं ऐसे, और फिर इसमें नून का आधा भाग जोड़कर और दाल जोड़ देंगे, तो दौलतमंद इस तरह से भी लिखा जा सकता है। बस ये ते और मीम को जोड़ दिया गया है यहाँ पर, तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसी तरह रहने देती हूँ, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है नौजवान, लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नून से ना होता है लिख दिए, नून के ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दीजिए, नौ हो जाएगा, उसके बाद ज है, ज को उर्दू में कहते हैं जीम, लिख दीजिए, वाह है वाह को उर्दू में कहते हैं वाव, और वाव से तो वाह हो गया, वाव बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए, नून से ना तो लिख दीजिए नून से ना, उसके बाद इन सबको जोड़ देना है। नून का आधा भाग उठा लीजिए फटाफट, नून का आधा भाग उठा लिए, नून के ऊपर तो ज़बर है बस वाव ले जाकर इसी नून में जोड़ दीजिए, तो नून के ऊपर ज़बर और वाव जुड़कर ना हो गया, जिम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और वाव इसी जिम में ले जाकर जोड़ देना है, वाव में अलिफ चिपका देना है, वाव में अलिफ जुड़कर वाह हो जाएगा, और नून को बस लास्ट में ले जाकर पूरा का पूरा चिपका देना है। तो नौजवाना, नौजवान, कहीं कहीं नौजवान लिखा जाता है, यानी कि देखिए नौजवान ऊपर बिंदु, चांद वाला जो बिंदु होता है ना उसके लिए ऊपर सिर्फ बिंदु रहेगा, अगर लाइन के ऊपर सिर्फ बिंदु रहेगा उसके लिए नून, और अगर चांद वाला बिंदु रहेगा तो उसके लिए सिर्फ नून के अंदर बिंदु नहीं रखा जाता है, सिर्फ इसी तरह रखा जाता है। ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, अभी तो ज़रूरी नहीं है, नेक्स्ट लेसन जैसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा लेसन तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, अभी फ़िलहाल यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सौदागर, सौदागर में सबसे पहला अक्षर है सौ, सौ को उर्दू में कहते हैं सीन, सीन के ऊपर ज़बर लगाकर वाव जोड़ दीजिए, सौ हो जाएगा, दा है, दा को उर्दू में कहते हैं दाल, दा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए, ग है, ग को उर्दू में कहते हैं गाफ, और र है, र को उर्दू में कहते हैं रे, जोड़ दीजिए सबको, सीन का आधा भाग आप लोगों को उठा लेना है ऐसे, ठीक है, सिन के ऊपर ज़बर है बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए, तो सिन के ऊपर ज़बर और वाव जोड़ कर ये हो गया सौ, दाल जिस तरह लिखा है दाल लिख दीजिए और दाल में अलिफ चिपका दीजिए, तो दा हो जाएगा, थोड़ा अच्छा से मैं लिख दूँ, हाँ अलिफ, हाँ दाल में अलिफ जुड़ कर दा, और गाफ का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और इसी गाफ के आधे भाग में रे का पूरा भाग ले जाकर जोड़ देना है। तो देखिए सौ दा ग र, सौ दा गर। आगे बढ़ते हैं मनमौजी, बहुत सारे लोग अब मनमौजी टाइप के होते हैं, तो अगर बोलना है लिखना है मनमौजी उर्दू में तो कैसे लिखेंगे, देखिए मौ सबसे पहला अक्षर है, मौ को उर्दू में कहते हैं मीम, उसके बाद ना है, ना को उर्दू में कहते हैं नून, फिर मौ है, तो मौ मीम से तो मौ हो गया, लेकिन मौ बनाने के लिए ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दीजिए, मौ हो जाएगा, उसके बाद जी है, जौ को उर्दू में कहते हैं जीम, और जीम से तो जौ हो गया, लेकिन यहाँ पर जी है ना, तो देखिए जी में कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो जी में बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो किसी भी उर्दू के अक्षर को बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए क्या करते हैं, उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ देते हैं, ये मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब जोड़ दीजिए फटाफट, मीम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और नून को ले जाकर नून का भी आधा भाग आप क्या कीजिए इसी में जोड़ दीजिए, ठीक है, नून का आधा भाग इसी मीम के आधे भाग में जोड़ दीजिए, और फिर ये जो मीम का आधा भाग है ना इसी नून में, नून के आधे भाग में जोड़ देना है, तो ये हो गया मीम, और मीम के ऊपर जबर है बस वाव ले जाकर इसी मीम में जोड़ दीजिए, तो मीम के ऊपर जबर और वाव जुड़कर ये हो गया मौ, तो मन मौ, और ये जो जी है ना जीम, तो जीम जिस तरह लिखा है आधा भाग उसी तरह लिख दीजिए, और जीम के नीचे जो जेर है बस ये जो छोटी है बिल्कुल हू बहू ले जाकर इसी जीम में जोड़ दीजिए, तो जीम के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर ये हो गया जी, तो मन मौ जी, मन मौजी, कितना आसान है लिखना। आगे बढ़ते हैं भाग दौड़,
सबसे पहले सोचिए कि भ को उर्दू में क्या कहते हैं, किस तरह लिखा जाता है। जिस तरह बी से ब, बी एच से भ, यानी कि बी में एच जोड़ देते हैं तो बी एच से भ, उसी तरह उर्दू में बे से ब होता है और इसी बे के आधे भाग को मिटाकर आधे भाग में एच यानी कि हे जोड़ देते हैं तो ये पढ़ा जाता है भ। तो ये हो गया भ। लेकिन भ बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। ग है, ग को उर्दू में कहते हैं गाफ। उसके बाद है दो, द को उर्दू में दाल, और दो बनाने के लिए ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दिए। और ड़ा है, ड़ा को उर्दू में डे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ देना है। भ जिस तरह लिखा है ना उसी तरह लिख दीजिए और इसी भ में अलिफ ले जाकर चिपका दीजिए इसे। तो भ हो गया। और उसके बाद से गाफ का आधा भाग लेकर जाना है और इसी गाफ के आधे भाग में दाल को चिपका देना है इसे। दाल के ऊपर तो जबर है, बस वाव ले जाकर इसी दाल में चिपका दीजिए। तो दाल के ऊपर जबर और वाव जोड़कर ये हो गया दो। और ये जो है ना इसको इस तरह लिख दीजिए जिस तरह लिखा हुआ है। तो ये हो गया भा और ग, भाग और दौ और दौड़, भाग दौड़। आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। ये जो भा था ना और गाफ को, गाफ का आधा भाग आप लोग ले रहे थे और दाल में जोड़ दे रहे थे, अब इसको अलग अलग लिख दीजिए। गाफ को पूरा का पूरा लिख दीजिए, ठीक है। भाग हो गया और दौड़ को अलग लिख दीजिए। ये अलग अलग गाफ और दाल को जो यहाँ पर जोड़ दिए थे, यहाँ पर बिना जोड़े भी लिख सकते हैं अलग अलग। तो इस तरह से भी भाग दौड़ लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको फास्ट करूँगी और आप लोग फास्ट सोचिए भी। ज़रूरी नहीं है कि किताब कलम लेकर ही बैठेंगे, आप लोग माइंड में सोचिए कि हाँ दौड़ कर इस तरह लिखा जाना चाहिए। मैं लिख कर बता रही हूँ, मिला लीजिए आप लोग सही सोचे थे कि नहीं। चलिए, दौड़ कर, तो सबसे पहला अक्षर है दौ। द को उर्दू में कहते हैं दाल, ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दीजिए, द हो जाएगा। ड़ा है, ड़ा को उर्दू में डे कहते हैं। क है, क को उर्दू में काफ कहते हैं। और फिर र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। फटाफट जोड़ दीजिए। दाल जिस तरह लिखा है लिख दीजिए। दाल के ऊपर जबर है, बस वाव ले जाकर चिपका दीजिए, द हो जाएगा। और ड़े से ड़ा, तो ये हो गया दौड़। और काफ का आधा भाग उठा लेना है ऐसे और इसी काफ के आधे भाग में रे जोड़ दीजिए। तो कर, दौड़ कर, कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं बिजनौर। ये आप बोल सकते हैं जगह का नाम है, गांव का नाम आप बोल सकते हैं। तो बिजनौर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहला अक्षर है बी। ब को उर्दू में कहते हैं बे, और यहाँ पर क्या है, बी है। तो देखिए बी में कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटी वाली ई की मात्रा है बी में, इधर से है। तो किसी भी उर्दू के अक्षर को छोटी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के नीचे सिर्फ जेर लगा देते हैं। तो बे से तो बा हो जा रहा था, लेकिन बे के नीचे सिर्फ जेर लगा दिए, तो ये हो गया छोटा वाला बी हो जाएगा। और उसके बाद ज है, ज को उर्दू में जिम कहते हैं। और फिर नौ है, नौ को उर्दू में नून कहते हैं। नौ से तो, नून से तो नौ हो गया, लेकिन नौ बनाने के लिए ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दिया। रा है, रा को उर्दू में रे कहते हैं। फटाफट जोड़ देना है। बे का आधा भाग उठा लीजिए और बे के नीचे तो जेर है, बे के नीचे जेर जुड़कर ये हो गया है बी, ठीक है। और जीम का आधा भाग आप लोग को उठाना है और इसी में बे के आधे भाग में ले जाकर जोड़ देना है। तो देखिए, बे के नीचे जेर जुड़कर ये बी और जीम से जा बिज हो गया है, बिज, क्योंकि इसी बे के आधे भाग में ये जिम जोड़ दिया गया है, ठीक है, जिम का आधा भाग। तो ये हो गया बिज। और नून का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, नून के ऊपर तो जबर है, बस वाव ले जाकर इसी नून में जोड़ दीजिए। तो नून के ऊपर जबर और वाव जुड़कर नौ और रे से र, तो ये हो गया बिजनौर। बिज नौ र, बिजनौर, कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं जौनपुर। लिखना है तो कैसे लिखेंगे। जौ है सबसे पहला अक्षर, तो देखिए जौ को उर्दू में क्या कहते हैं, जौ को उर्दू में जिम कहते हैं, लिख दीजिए। ऊपर दबर लगा कर वाव जोड़ देंगे तो जौ हो जाएगा। ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं। पू है, पा को उर्दू में कहते हैं पे। और देखिए पू में कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो पू में बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो पे के ऊपर दबर लगा कर वाव जोड़ दीजिए, बड़ा वाला पू की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद है रा, रा को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको फटाफट जोड़ दीजिए। जिम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, जिम के ऊपर जबर है, बस वाव ले जाकर चिपका दीजिए, तो ये हो जाएगा जौ। नून का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, नून से ना, और इसी नून के आधे भाग में पे का आधा भाग ऐसे ले जाकर चिपका देना है। और पे के ऊपर तो पेश है, बस वाव ले जाकर पे में चिपका दीजिए, तो पे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया पू, जौनपुर। और बस ये जो रे है ले जाकर चिपका देना है, तो रे से रा, तो जौनपुर। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जौन को अलग और पुर को अलग। देखिए नून के आधे भाग में जो पे का आधे भाग जोड़ रहे थे, इसको अलग अलग लिख दीजिए। नून से ना ये हो गया जौन, और पुर इस तरह लिख दीजिए। ऊपर तो पेश नहीं दिया जाता है, मन में मन पे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर पू और रे से रा, तो जौनपुर। ये अलग अलग आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एक में भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दौलतपुर। सबसे पहला अक्षर है दौ। द को उर्दू में कहते हैं दाल, ऊपर दबर लगाकर वाव जोड़ दीजिए। ल है, ल को उर्दू में कहते हैं लाम। और फिर त है, त को उर्दू में कहते हैं ते। और फिर पू है, प को उर्दू में कहते हैं पे, बड़ा वाला पू है पू में, तो बड़ा वाला पू की मात्रा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ देंगे, तो पू हो जाएगा। और ऐसे रहो, अब जोड़ दीजिए सबको। दाल जिस तरह लिखा है लिख देना है। दाल के ऊपर तो जबर है, बस वाव ले जाकर चिपका दीजिए, तो दाल के ऊपर जबर और वाव जुड़कर ये हो गया दौ। और लाम का आधा भाग उठा लेना है और इसी लाम के आधे भाग में
ते को पूरा का पूरा ले जाकर जोड़ दीजिए, दौलत हो गया, और पुर अलग लिख दीजिए, पे का आधा भाग उठा लीजिए, पे के ऊपर तो पेश है बस वाव ले जाकर चिपका दीजिए, तो ये हो गया पू और रे से र, तो दौलत पुर, ठीक है, दौलत और पुर। आप चाहें तो इन दोनों को एक में भी जोड़कर ते का आधा भाग पे के आधे भाग में ले जाकर जोड़ सकते हैं और एक में लिख सकते हैं, जैसे कि एक बार लिख कर दिखा भी दे रही हूँ। ते को ये जो पूरा का पूरा लिख रहे थे ना, इसको आधा भाग, इसका आधा भाग उठा लीजिए और फिर पे का आधा भाग उठाकर इसी में और वाव जोड़ दीजिए, तो पे के ऊपर पेश और वाव जोड़कर पू और ऐसे रहा, तो दौलतपुर इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, बस इसमें ते और पे अलग अलग है और इसमें ते और पे जुड़ा हुआ है, तो दोनों तरह आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौट कर, सबसे पहला अक्षर है लौ, लौ को उर्दू में कहते हैं लाम, लाम से ल हो गया, लौ बनाने के लिए ऊपर जबर लगा कर वाव जोड़ दिए, और ट है, टॉ को उर्दू में कहते हैं टे, उसके बाद क है, क को उर्दू में कहते हैं काफ, फिर उसके बाद है रे, रा को उर्दू में उर्दू में कहते हैं रे, तो सबको जोड़ देना है। लाम का आधा भाग उठा लीजिए, लाम के ऊपर तो जबर है बस वाव ले जाकर लाम में जोड़ दीजिए, तो ये हो गया लौ, और टे का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, टे के आधे भाग में काफ का आधा भाग ऐसे चिपका देना है, और इस काफ के आधे भाग में रे को पूरा पूरा ले जाकर जोड़ देना है। ज़रा रे अच्छा से मैं जोड़ दूँ, हाँ अब ठीक है। तो लौट कर, लौट कर कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं औरंगजेब, औरंगजेब उर्दू में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। औरंगजेब जो है मुग़ल बादशाह था, तो ज़रा इनको देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहला अक्षर क्या है, औ, मैं आप लोग को बताई हूँ अलिफ से अ होता है, और इसके ऊपर ज़बर लगाकर वाव जोड़ दो तो ये अ हो जाएगा, उसके बाद र है तो र को उर्दू में रे कहते हैं, और ध्यान दीजिए र के ऊपर क्या है, ऊपर बिंदु वाला ना है, तो ऊपर बिंदु वाले ना को नून कहते हैं, लिख दीजिए। उसके बाद है ग, ग को उर्दू में कहते हैं गाफ, और फिर जे है ना, तो ज को उर्दू में कहते हैं जीम, जीम से तो ज हो गया लेकिन जे है यहाँ पर, ए की मात्रा में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो मैं आप लोग को बताई हूँ ए की मात्रा में बदलने के लिए उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर और बड़ी ए जोड़ देते हैं, तो अक्षर ए की मात्रा में बदल जाता है, तो जिम के नीचे जेर लगाकर बड़ी ए जोड़ दिए तो ये हो जाएगा जे, और उसके बाद है ब, ब उर्दू में कहते हैं बे। अब इन सब को जोड़ देना है, औरंगजेब आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। देखिए जोड़िए फटाफट, अलिफ जिस तरह लिखा हुआ है लिख दीजिए, अलिफ के ऊपर ज़बर है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे, बस वाव ले जाकर चिपका देना है, तो ये हो गया ओ। फिर रे जो है ना जिस तरह लिखा है लिख दीजिए, और रे के बाद ये जो नून है, नून का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे, उसके बाद से क्या करना है, गाफ का पूरा भाग ले जाकर इस नून के आधे भाग में जोड़ देना है ऐसे, तो ये हो गया औरंग, औरंग लिखा चुका है, अब बस जेब लिखना है। जिम का आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, जिम के नीचे जेर है, बस ये जो बड़ी ए है ले जाकर इसी में चिपका देना है, और आप लोग जानते हैं किसी दूसरे अक्षर में बड़ी ए जब जुड़ता है तो उसी तरह शक्ल बना लेता है जिस तरह की छोटी ए, यानी कि इस तरह, तो जिम के नीचे जेर और बड़ी ए जुड़कर ये हो गया जे, और बस ये जो बे है ना ले जाकर पूरा का पूरा इसमें चिपका दीजिए, तो बे से ब, तो ये हो गया जेब, तो औरंग और जेब, औरंगजेब। आप चाहें तो इन दोनों को एक में मिक्स करके भी लिख सकते हैं, ये जो गाफ अलग है, औरंग अलग है, जेब अलग है, इन दोनों को जोड़ सकते हैं। कैसे, ये जो आप लिख रहे थे गाफ का, ये पूरा का पूरा भाग लिख दे रहे थे, बस इसको आप लोग आधा लिखिए, और जिम जो है ना इसी गाफ के आधे भाग में ले जाकर इस तरह जोड़ दीजिए, और जिम के नीचे क्या है, जेर तो है, बस बड़ी ये जुड़ गया तो जे हो गया, और बे से ब, तो इस तरह से भी आप लोग औरंगजेब लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ, यही रहने देती हूँ औरंगजेब। आगे बढ़ते हैं, औरंगाबाद कैसे लिखेंगे। सबसे पहला अक्षर है औ, अ किस तरह लिखा जाता है, अलिफ से अ होता है, उसके ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दीजिए, अ हो जाएगा। र है, र को उर्दू में कहते हैं रे, ऊपर बिंदु वाला ना है तो उसके लिए नून का यूज़ करेंगे। उसके बाद है गा, गा को उर्दू में कहते हैं गाफ, और गा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। बा है, बा को उर्दू में कहते हैं बे, और बा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। द है, द को उर्दू में कहते हैं दाल। अब इन सब को जोड़ देना है, अलिफ जिस तरह लिखा है उस तरह लिख दीजिए, अलिफ के ऊपर तो जबर है बस वाव ले जाकर चिपका दीजिए, तो ये हो गया औ, और रे जिस तरह लिखा है इसी तरह, तो ये हो गया और, लेकिन ऊपर बिंदु वाला ना है ना, तो ऊपर बिंदु वाले ना के लिए हम लोग नून ही यूज़ किए हैं, तो नून का आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, और फिर गाफ का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और गाफ का आधा भाग उठाकर इसी नून के आधे भाग में ऐसे ले जाकर जोड़ देना है। ये नून का आधा भाग था और इसी में हम गाफ का आधा भाग उठाकर, बस ये जो सीधा भाग है ना गाफ का, ये सीधा डंटा वाला भाग है, बस यहाँ पर कर्व हो जाएगा, ये दोनों ये दो लाइन है इस तरह रहेगा, बस ये जो सीधा भाग है इसको कर्व कर देना है, हल्का सा गोल कर देना है, तो ये गोल हो गया, और इसी गाफ में क्या करना है, अलिफ जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा गा। तो औरंगा ये लिखा गया है, औरंग गा, औरंगा लिखा गया है, बस बाद लिखना है, तो देखिए बे में, बे के आधे भाग में अलिफ जोड़ दीजिए बा हो जाएगा, और दाल ले जाकर चिपका दीजिए, दाल से द हो गया, तो औरंगा बाद, औरंगा देखिए औ रंगा बा द,
औरंगाबाद, कितना आसान है, औरंगाबाद लिख लिए, औरंगजेब लिख दिए। आगे बढ़ते हैं बौनापन, सबसे पहला अक्षर है बौ, बौ को उर्दू में कहते हैं बे, और बौ बनाने के लिए ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दीजिए, बौ हो जाएगा, ना है ना को उर्दू में कहते हैं नून, और अलिफ जोड़ दीजिए ना हो जाएगा, पौ है पौ को उर्दू में कहते हैं पे, फिर ना है ना को उर्दू में कहते हैं नून, जोड़ दीजिए फटाफट, बे का आधा भाग उठा लेना है और बे के ऊपर तो जबर है, बस वाव ले जाकर चिपका दीजिए तो बौ हो जाएगा, और नून का आधा भाग और इसमें अलिफ ना हो जाएगा, और पे का आधा भाग और इसमें पूरा का पूरा नून ले जाकर चिपका दीजिए तो पन, तो बौ ना पन, बौ ना पन, कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं पौराणिक, पौराणिक जो है ना ये शुद्ध आप बोल सकते हैं हिंदी का शब्द बोल सकते हैं, जो कि आप लोग ज़्यादातर हिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे। तो पौराणिक कैसे लिखेंगे, सबसे पहला अक्षर है पौ, पौ को उर्दू में कहते हैं पे, ठीक है हो गया, पे से तो पौ हो गया, पौ बनाने के लिए ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दिए, रा है, रा को उर्दू में कहते हैं रे, अलिफ लगा दिए तो रा हो जाएगा, उसके बाद है नी, तो इसको क्या कहेंगे उर्दू में, मैं आप लोगों को बताई हूँ ना, नून कहेंगे, नून से तो ना हो गया, लेकिन ये इसमें क्या है, नी है, यानी कि ई की मात्रा है, तो क्या करेंगे, और वो भी नहीं तो छोटा वाला ई की मात्रा है, तो नून के नीचे सिर्फ जेर लगा देंगे तो ये छोटा वाला नी की मात्रा में बदल जाएगा, तो नून के नीचे जेर लगा दिए तो ये हो जाएगा नी, और काफ से कौ, इस तरह लिख दीजिए, कौ हो गया काफ से, ठीक है। अब इन सब को जोड़ देना है, पे का आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, और पे के ऊपर तो जबर है, बस वाव ले जाकर चिपका दीजिए तो ये हो जाएगा पौ, और रे में अलिफ जोड़कर ये तो रा हो गया, ठीक है। और ये जो नून है, नून का आधा भाग उठा लेना है, और नून के नीचे तो जेर है, बस काफ को ले जाकर पूरा का पूरा इसी नून के आधे भाग में चिपका देना है, तो नून के नीचे जेर जुड़कर नी और काफ से का निक, तो पौराणिक, पौराणिक कितना आसान है पौराणिक लिखना, देखने में हिंदी में ये शब्द बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं टफ टाइप का दिख रहा है कि इसको उर्दू में कैसे लिखेंगे, लेकिन इसको भी लिखना आसान है, पौराणिक इस तरह लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं बौखलाया, कैसे लिखेंगे, सबसे पहला अक्षर है बौ, बौ को उर्दू में कहते हैं बे, ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दिए, बौ हो जाएगा, ख है, ख को उर्दू में कहते हैं जिस तरह के से ख और के में एच यानी कि हे जोड़ देते हैं कि एच से ख, उसी तरह उर्दू में होता है काफ से क, और इसी काफ के आधे भाग में एच यानी कि ये वाला हे जोड़ देते हैं तो ये हो गया ख। उसके बाद है ला, ला को उर्दू में कहते हैं लाम, ला बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए, और या है, या को उर्दू में कहते हैं ये, और इसमें अलिफ जोड़ दीजिए तो या हो जाएगा। बे का आधा भाग उठा लीजिए फटाफट, बे के ऊपर तो जबर है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए तो ये हो गया बौ, और ख जिस तरह लिखा है ना उसी तरह लिख देना है, और इसी ख में लाम का आधा भाग ऐसे ले जाकर चिपका देना है, और इसी लाम के आधे भाग में अलिफ तो चिपकाना पड़ेगा ला बनाने के लिए, तो लाम का अलिफ जोड़कर ला हो गया, तो बौखला। और ये जो ये है ना इस तरह लिखा है यहाँ पर, अब ये दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो आप लोग जानते हैं अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेती है, तो ये हो गया ये, और ये में अलिफ जोड़ दीजिए या हो जाएगा, तो बौख ला या, बौख ला या, बौख ला या, कितना आसान है। लास्ट में है धोखेबाज, अरे इसमें तो औ की मात्रा है ही नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पर औ की मात्रा नहीं दिलाया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग लिखना है तो कैसे लिखेंगे, धोखेबाज लिखना है तो देखिए सबसे पहला अक्षर है धो, ध को उर्दू में कहते हैं इस तरह, जिस तरह डी से द और डी एच से, डी में एच जोड़ देते हैं, डी एच से ध, उसी तरह उर्दू में दाल से द और दाल में एच यानी कि ये हे जोड़ देते हैं तो ध हो गया, धो बनाने के लिए ऊपर पेश लगाकर और वाव जोड़ देंगे धो हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करेंगे, के है, कौ उर्दू में कहते हैं काफ, और काफ के नीचे जेर लगाकर इसमें बड़ी ये जोड़ देंगे तो के हो जाएगा, और बा है तो बा को उर्दू में कहते हैं बे, अलिफ लगा देंगे तो बा, और जे यहाँ पर नीचे बिंदु वाला ज है तो इसको कहेंगे जे से ज, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जिस तरह ध लिखा है उसी तरह लिखना है, ठीक है। और ध में क्या करना है, वाव ऊपर तो पेश है, बस वाव ले जाकर चिपका दीजिए तो ये हो गया धो, और काफ का आधा भाग ऐसे उठा लेना है, काफ के नीचे जेर है, बस ये जो बड़ी है ना जिस तरह लिखा है उसी तरह ले जाकर इसी काफ में जोड़ दीजिए तो ये हो गया धो और के, धोके और बाज अलग लिख दीजिए, बे में अलिफ जोड़कर और जे, ठीक है, ये तीनों को जोड़ दिए यहाँ पर, तो बाज, तो धोके बाज, इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे आप इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं, जैसे कि आप लोग इसको जो काफ के आधे भाग में ये जो बड़ी है जोड़ दे रहे थे ना, तो इसको क्या कर दीजिए, बे में इसको चिपका दीजिए, मतलब ये जो बड़ी है अब ये अपना शक्ल चेंज करेगी और इस बे में आकर जुड़ेगी, और फिर बे में अलिफ आकर जुड़कर इस तरह से भी धोखेबाज लिखा जा सकता है। बस ये जो धोखे अलग हो जा रहा था, बाज अलग हो जा रहा था, इसको मैं एक में जोड़ दी, और धोखेबाज इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फ़िलहाल मैं इसको मिटा देती हूँ। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग चार अक्षर से मिलकर बने अमात्रा वाले उर्दू के शब्दों को लिखना और पढ़ना सीख चुके हैं। अब आप लोग कहीं पर भी देखिए,
उर्दू का शब्द लिखा हुआ उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। और ज़्यादातर देखिए अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ए ए ओ औ औ मात्र तक आप लोग सीख चुके हैं, और बचा है अंग और अ। तो ये तो दोनों बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी, लेकिन अभी आप लोग फिलहाल अ मात्र तक सीख चुके हैं। अब आप लोग कहीं पर भी उर्दू लिखा हुआ दिखाई दे उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, चाहे वो कोई भी मात्रा वाला क्यों ना हो, अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ए ए, कोई भी मात्रा वाला क्यों ना हो, ज़्यादातर पढ़ने की कोशिश कीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए। मैं 10th और 12th क्लास वाले स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पर विजिट कर लीजिए, बोर्ड पर ढेर सारा शब्द लिखी रहती हूँ उर्दू का, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, जिस तरह मैं लिखती हूँ उस तरह लिखने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए लिखकर और पढ़कर। बिकॉज आप लोग बच्चे को देखे होंगे, जब बच्चे को कोई भी भाषा सिखाई जाती है, चाहे वो हिंदी हो उर्दू हो या फिर इंग्लिश हो, तो उसको ज़्यादातर पढ़वाया जाता है और लिखवाया भी जाता है। वो घर पर भी लिखकर और पढ़कर प्रैक्टिस करता है, स्कूल मदरसे में जाता है तो वहाँ पर भी लिखकर और पढ़कर प्रैक्टिस करता है। उसी तरह आप लोगों को भी करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़कर लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप लोग मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। प्रैक्टिस मैटर्स मच, जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही जल्दी आप लोग उर्दू कम्प्लीट सीख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए दी मोर, जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, और बचा है अंग और अ, तो वो तो एकदम आसान है, टफ नहीं है, आसानी से मैं आप लोग को समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी सी अगर वीडियो आने में लेट हो जाती है तो आप लोग इंतज़ार कर ले, मैं कोई भी काम में बिज़ी रहती हूँ, कहीं फंस जाती हूँ और वीडियो शूट नहीं हो पाता है, तो फिर आप लोग का वो कमेंट याद आता है मुझको कि आप लोग कितना ज़्यादा कमेंट करके मांग रहे हैं अगला पार्ट, तो फिर मैं किसी भी तरह एक तरह से समस्याओं से फेस करने का मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, समस्याओं को फेस करने का, और फिर किसी तरह टाइम निकाल कर वीडियो शूट करती हूँ और आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि जब मैं नहीं रहती हूँ तो आप लोग पूछते हैं मेरे बारे में। तो चलिए, आज की इस वीडियो को आई होप हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कमेंट किस लिए बनाया गया है, पूछने के लिए, तो जो भी कंफ्यूजन है आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई समझ में आए, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दे और शेयर कर दे चारों तरफ जितना ज़्यादा हो सके, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके, और अगर चाहते हैं वो उर्दू सीखना तो आसानी से वो उर्दू सीख सके। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो और ऑल लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।